हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लंबे समय के बाद कल से सड़कों पर दौड़ेगी रोडवेज की बसें, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। बाढ़ में राजस्थान में मंगलवार से अनलॉक 2 की गाइडलाइन लागू हो गई है। इसके तहत गुरुवार से सार्वजनिक परिवहन भी शुरू हो जाएगा। इसमें रोडवेज बसों का संचालन भी शामिल होगा। 10 जून से रोडवेज अपने बेड़े के करीब 50% बसों का संचालन शुरू करेगा। इसे लेकर मुख्यालय स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है। संचालन को लेकर मंगलवार को रोडवेज CMD राजेश्वर सिंह ने प्रदेश के सभी चीफ मैनेजर्स के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया है कि रोडवेज गुरुवार प्रथम चरण में 50% क्षमता के साथ 1600 बसों के साथ संचालन शुरू करेगा। सभी चीफ मैनेजर्स को अपने अपने डिपो के रूट तय करने की छूट दी गई है। इन बसों की समय सारिणी देखने, भीड़भाड़ से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए यात्री बुधवार से ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट www.rsrtconline.rajasthangovernment.in से बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा यात्री बस स्टैंड पर टिकट काउंटर से या बस के अंदर बैठकर परिचालक से भी टिकट ले सकेंगे। यात्रा के समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। निजी बसें भी होगी संचालित। राजस्थान में 10 जून से रोडवेज के साथ निजी बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने SOP जारी कर दी है। प्रदेश में स्टेट कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बसें और यात्रा के बाद बसों को सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से सैनिटाइज करना होगा। संचालन के समय चालक परिचालक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न होने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर से चलेंगी बसें। प्रबंधक उमेश नागर ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाड़मेर डिपो ने भी बसों का संचालन को लेकर तैयारियां कर ली है। नागर प्रबंधक ने बताया कि बाड़मेर जिले में कल बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें जयपुर, जोधपुर सिंगणी, चौहटन, अजमेर, कोटा, जालोर व आदि रूटों पर रोडवेज की बसें चलेंगी। उन्होंने बताया कि बाड़मेर डिपो में भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।